भूखी रहती हैं, एकदम ताकत नहीं लगता, खून नहीं है शरीर में। जब तक हमें पारा का प्रदूषण चीफ मिनिस्टर के खून में नहीं मिलेगा, तब तक कुछ नहीं होने वाला। शक्ति नगर में कुछ ऐसे हैंडपंप है जहाँ का पानी तो 100% मरकरी का और स्थिति में है। जितना हरियर फसल लगाते हैं उसमें पीला आ जाता है, सूख जाता है, जाम के पीला खैरा होकर भेड़िया होकर सूख जा रहा है। और गेहूं हम फसल बोते हैं, गेहूं भी पीला हो जा रहा है। अगर इसे रोका नहीं गया, तत्काल इस पर कोई कारगर कदम नहीं उठाए गए, तो सारी यहाँ हम विकलांग पीढ़ियों के अलावा और कुछ नहीं दे सकेंगे। अब हम लोग कैसे जिएंगे, कैसे रहेंगे, से हम लोग का कोई समझ ही नहीं आ रहा है कि सरकार हम लोग को मुआएगा कि जिलाएगा। देख के सिहाए परी, अरे देख के सिहाए परी, पहरी सिंगार गोरी गम 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 के मोर। सोनभद्र जिले के रेणुकूट के पास कवि रामलखन जंगली की आवाज उस जहर की ओर इशारा कर रही है जो रफ्ता रफ्ता इस इलाके के लोगों की नसों में समा रहा है। कई सालों से रह रहे हैं इस इलाके में? 40 साल। 40 साल से आप इस इलाके में? ओबरा गांव के मानिक चंद पिछले 6 साल से चल नहीं पाते, उनकी मांसपेशियां धीरे धीरे जवाब दे रही हैं। तो ये कब से शुरू हुआ आपको? 6 साल हो गया। कितना? 6 साल। 6 साल हो गया। तो उस समय कैसा लग रहा था, कैसा हवा पानी था यहाँ का, रहन सहन कैसा था? डैम का पानी है, जवाहर नेहरूलाल ने बांधा हुआ है। यहाँ से कुछ किलोमीटर दूर किरवानी गांव के लोग भी कई बीमारियों से परेशान हैं। हमारे पास 100 रुपया है, यही परेशानी बढ़ते बढ़ते आज बहुत ज्यादा बढ़ चुका। शादी भी हो गया, बच्चे हो गए, लेकिन हम लोग यही प्राप्त कर रहे हैं। सोनभद्र के इस इलाके में तरह तरह की बीमारियां पिछले कुछ सालों से तेजी से बढ़ रही हैं। यहाँ जोड़ों पे दर्द, ये कमर पे दर्द, ये अक्सर है, ये अक्सर होता है। पेट में गैस बनाता है, दर्द करता है, सर में भी दर्द हो जाता है, पैर सूज जाता है। 40 साल की मदीना की दोनों बेटियां सफिया और सफीना पिछले 5 सालों से बीमार हैं। मछली खा रहे हैं, सब कुछ खा रहे हैं। क्या तकलीफ है आपको? पहले तो शुरू शुरू में कपार में दर्द था, इसके बाद में शरीर फूले लगा, सब सूजे लगा, दर्द था, इसके मन में सुधर, पेट में पानी भर लगा, सब बगल में और चक्कर आवला, रोग ग्रसित हो जाए, विकास। यहाँ के सरपंच रह चुके गौरी शंकर और समाज सेवी रविचंद्र दुबे हमें बताते हैं कि सोनभद्र जिले में फैल रही इन बीमारियों की वजह अक्सर डॉक्टर नहीं बता पा रहे। आपके महुए पर भी कुछ असर पड़ा है? बीमार पड़ने वाले लोग हों या यहाँ फैल रही बीमारियाँ, दोनों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। सोनभद्र और सिंगरौली के सैकड़ों गांव ऐसी बीमारियों की चपेट में हैं, जिनकी वजह का पता नहीं चल पा रहा। जब से इस क्षेत्र में विकास के कार्य का प्रारंभ हुआ है 1960 के बाद से, तब से इस क्षेत्र में पर्यावरण में इस तरीके से प्रदूषण का फैलाव हुआ है, जिसके कारण यहाँ की कृषि, स्वास्थ्य और लोगों में खास तौर से हड्डी की बीमारी, स्वास्थ्य की बीमारी। ऐसी कुछ तस्वीरें पिछले कुछ सालों में यहाँ के स्थानीय निवासियों ने भी कैमरे में कैद की ताकि सरकार की नींद खुल सके, लेकिन अब तक कुछ नहीं हुआ। लेकिन सोनभद्र में पनप रहे इस शोक की परतें अब धीरे धीरे खुल रही हैं। नहीं करेंगे। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पर भारत की ऊर्जा पट्टी यानी एनर्जी कैपिटल कही जाने वाले सिंगरौली सोनभद्र इलाके में आज बीसियों पावर प्लांट हैं, जिनसे निकलने वाला जहर लोगों के भीतर घुस रहा है। पर्यावरण पर नजर रखने वाली संस्था सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट यानी CSE की रिपोर्ट ने पिछले दिनों सोनभद्र के इस काले सच को उजागर भी किया। जहां पर थर्मल पावर प्लांट से और इंडस्ट्री नहीं है, उस वहां जो लोगों को जैसे बीमारी होती है, उनसे हट के कुछ अलग बीमारी वहां हमें लोगों को दिखी और उनके कुछ लक्षण उनमें दिखे। तो CSE ने सोनभद्र के बीमार पड़ रहे लोगों के खून, बालों और नाखून के साथ साथ
यहाँ के पानी, मिट्टी, दालों और मछलियों के सैंपल इकट्ठा किए। इन सभी नमूनों में पारा यानी मरकरी पाया गया, वो भी सामान्य से कई गुना अधिक। राइस का हमने सैंपल वहाँ से लेके आए उसे, और फिर हमने उसे अपनी लैबोरेटरी में एनालाइज किया। पानी के हमें 3 सैंपल में बहुत ज्यादा मरकरी मिला। पानी का जो ब्लड में जो ब्लड में भी हमें बहुत ज्यादा मरकरी मिला, नॉर्मल से ज्यादा था। नॉर्मल से बहुत ज्यादा, जो नॉर्मल लिमिट है जो USEPA का है, उन्होंने एक नॉर्मल आदमी में जो लिमिट दिया हुआ है वो उससे हमें बहुत ज्यादा मिला, करीब 20 गुना से भी ज्यादा हमें वहाँ पर मरकरी मिला उनके खून में। NDTV इंडिया की टीम ने जब इस इलाके का दौरा किया तो जमीन पर इसका कारण साफ दिखाई दिया। सोनभद्र की जीवन रेखा कही जाने वाली रेणुका नदी में आज यहाँ के 20 पावर प्लांट अपना जहर उड़ेल रहे हैं। रेणुका में पतवार चलाना मछुआरों के लिए पहले कभी इतना कठिन नहीं था, लेकिन धीरे धीरे जैसे गंगा की इसे सहायक नदी में जहरीली राख भरने से खत्म हो रही है, वैसे ही उन मछुआरों की उम्मीदें भी खत्म हो रही हैं जो इसी नदी से मछलियां पकड़कर अपनी रोजी कमाते हैं।